वेल्डिंग मशीन जो है हमारी, इसके अंदर 200 एम्पेयर से लेकर और 450 एम्पेयर तक की सारी रेंज हमारे पास कंप्लीट है। सर एक ये हमारी हॉट सेलिंग आइटम है जिसको 16 केजी प्रेशर की मशीन बोला जाता है, डिमोलिशन हैमर बोला जाता है, इसे ब्रेकर मशीन भी बोलते हैं इसे कुछ लोग। इसको 5 केजी प्रेशर के अंदर बोला जाता है, ये छोटे साइज के अंदर है। ये दीवार और आपका लेंटर दोनों के अंदर काम करेगा। सर देखिए एक हमारी एक हॉट सेलिंग आइटम है, वॉल चेजर मशीन बोला जाता है इनको, जो झीरी वगैरह कटती है वॉल्स के अंदर। आपने कोई ब्रेक, कोई लाइन पाइपलाइंस वगैरह डालनी है या कुछ किस तरह की कोई फिटिंग करनी है आपने, तो ये 5 ब्लेड्स एक साथ चलते हैं इसके अंदर। ये लेंटर बीम कॉलम वगैरह सब जगह काम करेगा आपका। इसके साथ में एक छोटी सी निडल लगती है और सब इसी के साथ ये ज्वाइन हो जाएगी यहाँ से, और ये वाइब्रेट करती है सारी, पेट्रोल चेंसा बोला जाता है इसे। और ये 22 इंची साइज के अंदर जनरली पेट्रोल के अंदर चलती है, 62 सीसी इंजन होता है इसके अंदर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कस्टमर जो भी आता हो मेरे पास, मोस्ट वेलकम, पहले मार्केट पूरी 10 जगह ट्राई करके उसके बाद मेरे पास आएगा, तब उसको बेनिफिट दिखाई देगा कि मेरा माल क्या है और मेरा रेट क्या है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ गेरा इलेक्ट्रिकल्स में, जो कि वाई किंग पावर टूल्स के ऑथोराइज डीलर हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं राहुल सर, जो यहाँ के ऑनर हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू जी, थैंक यू, आपका भी स्वागत जी। सर आज इस वीडियो में आप हमारे व्यूवर्स को क्या दिखाएंगे? सारी आइटम्स हमारे पास पावर टूल्स की पूरी कंप्लीट रेंज है, वाइकिंग कंपनी, डिवाइन और टाइगर कंपनी के हम लोग ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो सर स्टार्ट करने से पहले आपका एड्रेस? सर मेरा एड्रेस 52 नंबर SN मार्क, अजमेरी गेट, दिल्ली 6, गेरा इलेक्ट्रिक स्टोर कंपनी का नाम है। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? सर आप पहले एंगल ग्राइंडर से स्टार्ट करते हैं। हमारी हॉट सेलिंग आइटम्स हैं, 5-6 आइटम्स हमारी ऐसी हैं जो बिल्कुल फास्ट मूविंग आइटम्स में काउंट होती हैं। जो ये जो हमारा मॉडल है DW803 मॉडल है ये, और ये 950 वाट के अंदर है, डिवॉल्ट मॉडल के अंदर बोला जाता है इसे। सबसे हैवी क्वालिटी का मॉडल माना जाता है ये अपनी रेंज का। इसके साथ में ये एक आपका हैंडल हो गया दोनों साइड से पकड़ने के लिए, और एक आपका ये गार्ड हो गया जो आपको पत्थर वगैरह या ब्लेड वगैरह लगाते हैं तो वो सेफ्टी के पर्पज से है ये, और काफी अच्छी क्वालिटी का माल है ये। यहाँ पे और ग्राइंडर्स इसी तरह के मार्केट में आते हैं, लेकिन उसमें फर्क क्या होता है कि आपको प्रॉपर कॉपर वाइंडिंग में मिलेगा, कॉपर वाइंडिंग है। अदरवाइज क्या होता है कि आपको कॉपर का बताकर सिल्वर का भेज देते हैं। एंड सर इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा? नेक्स्ट आइटम हम आपको एक इसी के साथ में ही एंगल ग्राइंडर स्टैंड होता है, जैसे आपने नॉर्मली मार्केट के अंदर देखा होगा ना, तो वो ग्राइंडर्स के अलावा जब उनको छोटा काम होता है तो वो एंगल ग्राइंडर्स यूज करते हैं, बड़े काम के पर्पज से उनको एक एंगल ग्राइंडर स्टैंड लगाया जाता है, उसके लिए उनको कट ऑफ मशीन खरीदना पड़ता है उनको। ये कट ऑफ मशीन का काम आपका छोटे से एंगल ग्राइंडर के अंदर आपका काम हो जाएगा। आपने देखा होगा पीछे आपको एक ये वाली मशीन दिख रही है, अब बहुत सारे लोगों को इसी मशीन का छोटा मोटा काम रहता है, तो वो ये स्टैंड लगाकर इस मशीन को, अपने इस एंगल ग्राइंडर को इस मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छा पर्पस इसका सॉल्व होता है आपका। नेक्स्ट आइटम हमारी नॉर्मल जो हाथ वाली ड्रिल मशीन्स होती हैं, हैंडी ड्रिल मशीन्स बोला जाता है इनको, इस तरीके की मॉडल है ये, जो नॉर्मल डोमेस्टिक यूज के पर्पस की चीज हो गई। आपका घर पे छोटे 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 मोटे कामों के लिए आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं तो इसी काम के लिए आप 200-200 रुपए देते हैं। आप ये छोटा सा काम अपने घर में एक मशीन ले लेते हैं तो ये आपका सिर्फ 3-4 बारी के अंदर आप यूज करेंगे ना, तो इसकी सारी कीमत आपकी वसूल होगी, और ये 10-12 साल कहीं जानी नहीं है मशीन। सर के कहने का मतलब है कि आप इस मशीन को इजीली अपने घर में यूज कर सकते हैं, और छोटा मोटा जो भी काम होता है जिसके लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं वो काम ये मशीन आपका काफी ज्यादा इजीली कर, बहुत इजीली कर जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास ड्रिल मशीन की और भी बहुत सारी रेंज है जिसे अभी हम आगे कवर करेंगे इस वीडियो में। सर एक आइटम हमारी और हॉट सेलिंग आइटम है जिसको आप हाई प्रेशर वॉशर बोला जाता है। इसे आप कार सर्विसिंग, स्कूटर सर्विसिंग, छोटे सर्विस स्टेशन के अंदर, एसी सर्विसिंग, इसे मल्टीपर्पज आइटम है ये हमारी और हॉट सेलिंग आइटम है हमारी। एक्चुअली सर इस आइटम्स को मैंने बहुत सारी जो बाइक वर्कशॉप्स होती हैं, जो वॉशिंग की स्पेशल्स होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और कार वर्कशॉप्स में देखा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने पहचाना है इसे। और ये जो आइटम है ये इतनी स्पेशल है कि आप, एक तो 100% कॉपर के अंदर है, क्वालिटी वाइज एवन है ये, इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट आइटम है ये बिल्कुल। आप एक नॉर्मल कार सर्विसिंग, स्कूटर सर्विसिंग, कहीं पे भी कुछ भी एसी सर्विसिंग कराने जाते हैं तो 500,000 रुपए आप ऐसी दे आते हैं इजीली इसका, और 3-4-5 दफा के अंदर आप इसकी कीमत वसूल कर लेंगे। जनरली आप कहीं पे भी अपने पास रखते हैं इसे, और ये ड्यूरेबल आइटम है, और आप मान के चले इसे 10-12 साल कहीं जाने वाली नहीं है। और यहाँ पे सर अच्छा एक क्वेश्चन होगा, अगर कोई पर्सन ये वीडियो देख रहा है जी और वो सोच रहा है कि इस मशीन को लेकर अपना बाइक वॉशिंग और कार वॉशिंग का वर्कशॉप खोल के 1,000-2,000 रुपए डेली का कमाना चाहूँ, तो बहुत अच्छी आइटम है ये, उस काम के लिए ये बनी ही है ये।
यानी कि एक ऐसी आइटम है इसे आप घर के नहीं भी ले सकते, उसके अलावा अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप इस आइटम को खरीद के कार वॉशिंग और बाइक वॉशिंग का काम करके एक डे का अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल, और ये जिसे कहते हैं ना दादा ले और पोता बढ़ते, ये वो आइटम है। सर एक आपको एक बार बाहर थोड़ी सी तकलीफ आपको दूंगा, आप एक बार बाहर की तरफ मेरे आइए और हमारी रेंज देखिए, मतलब कितनी वाइड रेंज है हमारी। बिल्कुल सर, तो अभी हम सर की शॉप के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप शॉप की होर्डिंग देखिए, तो इसमें आपको सर की शॉप का प्रॉपर एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब चीज़ मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली में आकर विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अभी सर हम किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे? सर हम एयर कंप्रेशर से स्टार्ट करते हैं। ये पेंट और हवा वगैरह के पर्पज से आपको जो यूज करते हैं, जिनको पता है उन लोगों को, ये पेंट वगैरह के पर्पज से यूज किया जाता है। और आजकल ये कॉम्पैक्ट और ड्यूरेबल आइटम है ये काफी। ये बेंच ड्रिल मशीन वगैरह आती है, इसके अंदर 13 mm से लेकर और 40 mm तक के सारे साइज अवेलेबल है हमारे पास, छोटे बड़े सब साइज अवेलेबल है हमारे पास। सर ने आपको ये दिखाया कि सुराख करने वाली ड्रिल मशीन, आप इसको इंडस्ट्रियल भी यूज कर सकते हैं और अपने घर के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। अगेन ये भी आपके एक एग्रीकल्चर में यूज होने वाला बहुत ही अहम आइटम होने वाला है। और अभी हम आपको पावर टूल्स की और रेंज को कवर करते हैं, आइए आपको अंदर दिखाते हैं। सर ये एक आपका ऑयल पंप्स वगैरह हो गए, हमारे मार्बल कटर मशीन्स हो गई, प्लानर मशीन्स हो गई, लकड़ी वगैरह कटिंग के लिए पर मशीन से होती है ये सारी की सारी, ब्लोअर्स हो गए, वाइब्रेटर्स हो गए, हीट गन्स वगैरह हो गई आपकी, जो आप डेली यूज के अंदर आप आइटम्स लेते हैं वो सब चीजें हमारे पास है। हैमर मशीन्स हो गई, इसके अलावा वेल्डिंग मशीन्स हो गई सारी। वेल्डिंग मशीन जो है हमारी, इसके अंदर 200 एम्पेयर से लेकर और 450 एम्पेयर तक की सारी रेंज हमारे पास कंप्लीट है। तो आपको कहीं पे भी सिंगल फेज, थ्री फेज, सारे पूरी प्रोविजन है हमारे पास, सारी आइटम्स है हमारी, पूरी रेंज है आपके पास। ये राउटर मशीन्स वगैरह हो गई आपकी, जो लकड़ी के लिए यूज में आती है, ये उस काम के लिए हो गई आपकी। चेनसॉ मशीन्स हो गई, जो आपके डेली यूज की आइटम नहीं है ये, लेकिन पेड़ कटिंग वगैरह, ये जो ट्री कटिंग वगैरह, इन सब कामों के लिए यूज में आती है। पेट्रोल चेनसॉ बोला जाता है इसे, और ये 22 इंची साइज के अंदर जनरली पेट्रोल के अंदर चलती है, 62 cc इंजन होता है इसके अंदर। सारी आइटम्स ये कटिंग वगैरह के पर्पज से होती है, वुड कटिंग के लिए पर्पज से सारी यूज में आती है। ये डेली यूज की आइटम्स हैं ये सब, फार्म हाउसेज वगैरह के अंदर भी और जंगल वगैरह के अंदर जहाँ पेड़ वगैरह काटने हैं वो सब कम जगह काम करेगा। अजय सर एक क्वेश्चन मेरा, 1 लीटर पेट्रोल में कितने घंटे चलेगा? सिर्फ 250 से 300 इसको ग्राम पेट्रोल चाहिए एक घंटे के अंदर। एक घंटे के अंदर ये 250 से 300 ml के अंदर काम करता है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो अभी यहाँ पे और भी बहुत सारी पावर टूल्स की रेंज है जिसको सर अभी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो सर अभी ये रेंज के बारे में थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए सर, एक तो ये हाई स्पीड ब्लोअर्स वगैरह हो गए आपके, जो डस्टिंग वगैरह के लिए यूज में आते हैं, और ये वैक्यूम क्लीनर का भी साथ में काम करते हैं। छोटी छोटी आइटम है ये, आपको एक बार थोड़ा सा एक बार इसका डेमो दूंगा मैं। ये आपने डस्टिंग वगैरह के लिए, मशीन को साफ करने के लिए, घर को साफ करने के लिए, आप देखेंगे हर जगह ये काम करने वाली चीजें हैं। और इसके अलावा यही पर्पस जो है आपका एक और सॉल्व करेगा, ये वैक्यूम क्लीनर का भी साथ में काम करेगा। वैसे बड़े वैक्यूम क्लीनर्स भी हमारे पास हैं, ये वैक्यूम क्लीनर्स हैं आपके, जो कारपेट क्लीनिंग, जो आप पर आजकल अर्बन क्लैप वालों को आप घर पर सर्विसिंग वगैरह के लिए बुलाते हैं ना, तो वो यही सब चीजें लेके घूम रहे होते हैं। वो आपको डोर टू डोर आपको सारी सर्विस देते हैं और आपकी गाड़ी की कार सीट्स वगैरह, कारपेट वगैरह, वो सब घर में आके साफ करके जाते हैं और 1000 रुपए आपसे लेते हैं एक विजिट का। और ये चीज आपकी, आप 2 बार 4 बार यूज करोगे, आपकी कीमत वसूल होगी, या आपकी 10 साल कहीं जानी नहीं है आइटम। अगेन फिर यहाँ पे वेल्डिंग मशीन से, उसके बाद सर ये एक ये आइटम मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि जो हमारे बाइक की पॉलिशिंग वगैरह का काम करते हैं, बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा। ये रबिंग एंड पॉलिशिंग मशीन है, और इसके अंदर इसका पर्पस क्या है कि आप इसके अंदर जनरली आप किसी भी कार उस पर सर्विस के लिए लेके जाते हैं अपनी गाड़ी को या बाइक को, तो आपका सिर्फ पर्पस क्या है, वो आपको पॉलिश लगा के और ऊपर ये चलाते हैं, और इस चीज के वो 500 रुपए से 600 रुपए आपसे चार्ज करते हैं, और हार्डली 15 मिनट लगते हैं इस काम के अंदर, इससे ऊपर का काम नहीं है ये। लेकिन ये मशीन जो है आजकल सब अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और हमसे अर्बन क्लैप वगैरह ये सब जितने शोरूम्स वाले हैं ये सब लेके जाते हैं ये सब चीजें, और आराम से यूज होती है ये आइटम। हैंडी आइटम है, हर आदमी यूज कर सकता है इसे। और ये भी एक ऐसी आइटम है जिसको लेने के 3 से 4 दिन के अंदर आप कीमत वसूल है। ये हैमर मशीन हो गई आपकी, ये आपकी लेंटर वगैरह के अंदर होल्स वगैरह करने के लिए काम आ जाती है। इसमें 3 फंक्शन होते हैं, तो सारे काम ये आपका पर्पस सॉल्व करती है, बड़े काम के लिए हो गई, इलेक्ट्रिशियंस वगैरह के लिए पर्पस की चीज हो गई है। और बाकी ये छोटी मशीन्स, बेंच, ये अपनी ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन 13 mm के अंदर हो गई, 10 mm के अंदर हो गई, हीट गन्स वगैरह हो गई, वो सब चीजें हैं ही। एक ये आइटम हमारी बहुत अच्छी है, ये कॉर्डलेस मशीन है, इसमें बैटरी चार्जर वगैरह सब चीजें जो है वो साथ में आएंगी आपकी। दो बैटरीज है और एक चार्जर होगा साथ में। इसको एक बार आपको मैं खोल के दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ आएगी चीज, ये चीज है इसकी, इसमें ऑलरेडी बैटरी इंस्टॉल्ड है।
आधे घंटे में बैटरी चार्ज हो जाती है इसकी, चार्जर साथ में है इसके और ये सारे काम करेगी आपकी। इसके अंदर हमें इंडिकेटर भी मेंशन है कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है, वो सब इसमें डिस्प्ले के अंदर आपको दिख जाएगा। क्वालिटी वाइज A1 प्रोडक्ट है और जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है हर जगह काम करेगी। स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है, स्क्रू कसने के लिए भी काम में आती है और ड्रिलिंग के लिए भी काम आएगी। एक हमारी एक आइटम है जिक्सो मशीन बोला जाता है, ये आइटम है, ये प्लाई बोर्ड्स वगैरह के अंदर डिजाइन बनाने के लिए काम में आती है। आप किसी भी कारपेंटर के पास देखा होगा आपने, जहां ये उन्हीं के मतलब का वुडन का जो काम करने वाले लोग हैं उनको एकदम समझ आ जाती है ये चीजें। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का माल है और काफी कामयाब चीज है ये। ये प्लाई बोर्ड्स वगैरह के अंदर डिजाइन वगैरह बनाने के पर्पज से यूज की जाती है। कटिंग के लिए प्लानर मशीन हो गई और डिजाइन बनाने के लिए प्लाई बोर्ड के अंदर ये जिक्सा मशीन आती है। ISO आइटम है, सारी कॉपर की आइटम है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है, किसी तरीके की क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सर देखिए एक हमारी एक हॉट सेलिंग आइटम है, वॉल चेजर मशीन बोला जाता है इनको। ये इसका पर्पज ये है कि आप जो झीरी वगैरह कटती है वॉल्स के अंदर, आपने कोई ब्रेक कोई लाइन पाइपलाइंस वगैरह डालनी है या कुछ किस तरह की कोई फिटिंग करनी है आपने, तो ये 5 ब्लेड्स एक साथ चलते हैं इसके अंदर। इसमें 5 ब्लेड्स हैं, ये 5 ब्लेड्स इसके अंदर पूरे एज इट इज फिट हो जाएंगे। ये इस तरीके के ब्लेड्स हैं, ये सारे के 1 2 3 4 5 आइटम है, ये 5 ब्लेड्स इसके साथ में फिट होके ये पूरी की पूरी आप लाइन से इसको कोई चीज आपने पाइपिंग करनी है कुछ करना है वो सब काम के लिए आपका वॉल चेजर मशीन बोला जाता है इसे। सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग आइटम है, इसके साथ में इसके अंदर ऑयल पंप साथ में होता है, पाइप वगैरह सब साथ में दिया जाता है इसका, ये किट वगैरह सब साथ में है इसके, आपको कुछ अलग से नहीं लगाना और बहुत अच्छी आइटम है ये। और अभी भी आप छेनी और हथौड़ा यूज कर रहे हैं तो आप ये मशीन आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप छेनी हथौड़ा यूज करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जो काम आप 2 घंटे में कर सकते हैं आप 20 दिन में करते होंगे। इसके बाद हम आपकी एक ये ऑयल पंप है, कंटेनर्स वगैरह मोबिल ऑयल वगैरह आपने अगर कभी एक ड्रम से दूसरे ड्रम में आपने शिफ्ट करना है तो उसके लिए ये इस तरीके का पाइप वगैरह हम आपको साथ में देंगे। इसके एक फ्लेक्सिबल पाइप आएगा खींचने के लिए और ये खींचने के लिए होगा, ये फेंकने के लिए हो गया ये वाला पाइप। ये मशीन है इसकी, छोटी सी कॉम्पैक्ट मशीन है। आप बड़े बड़े पंप्स यूज करते हैं और एक कंटेनर में से एक ड्रम में से एक मोबिल ऑयल या कोई भी डीजल वगैरह ये सब सामान आप दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करना हो आपको तो ये पर्पस आपका सॉल्व करती है मशीन। 15 मिनट में कंटेनर खाली है, बहुत हाई स्पीड के अंदर है, अच्छा सेक्शन है, अच्छी डिलीवरी है, फास्ट आइटम है। अच्छा सर एक चीज मुझे ये बताइए, जो सेंटर होते हैं हमारे कारपेंटर भाइयों की बहुत ज्यादा डिमांड आती है इनके बारे में, जी तो जी ये कितने कितने तरह के आते हैं? इसमें 3 तरीके के आएंगे आपके, इसमें साइजेस का हिसाब होता है। एक इसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आता है, एक आता है राउंड शेप के अंदर, ये होता है आपका रेक्टेंगुलर शेप के अंदर। इसमें रेगमार वगैरह लगाया जाता है और इसी का आपको उसको भी देख के और समझ आएगा। इस तरीके की चीज है, ये भी काफी आइटम चलती है। ये आप देखेंगे ये वही चीज पर्पस सेम है लेकिन ये राउंड शेप के अंदर है और इसका पर्पस जिसका राउंड के अंदर कुछ काम है वो उस तरीके से रेगमार वगैरह सब इसके अंदर लगा हुआ है, आपको लगाना है इसके अंदर और अपना यूसेज आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें आई थिंक वेरिएबल स्पीड का भी वेरिएबल स्पीड होता है इसके। सर एक ये हमारी हॉट सेलिंग आइटम है जिसको 16 kg प्रेशर की मशीन बोला जाता है, डिमोलिशन हैमर बोला जाता है इसे, ब्रेकर मशीन भी बोलते हैं इसे कुछ लोग डिमोलिशन हैमर मशीन बोलते हैं। इसको बाहर निकाल के दिखाओ जरा। इसका पर्पस जो है वो सड़क वगैरह तोड़ना, RCC तोड़ना, ये सब काम करने के लिए है ये मशीन। ये इस तरीके की मशीन है, इसके साथ में ये बिट्स दिए जाते हैं, बिट्स आपको खोल के दिखाते हैं, थोड़ा सा देखने से समझ आएगी आपको। इस तरीके की बिट्स होती हैं इसकी, एक बिट इस तरीके की हो गई आपकी, इस तरीके की हो गई, जिसे छैनी वगैरह बोला जाता है ना, छैनी का भी काम करती है ये सारी की सारी। और ये सारा ब्रेकेज के लिए ही है, सारा ये ब्रेक तोड़ने के लिए ही, सड़कें तोड़ने, RCC वगैरह, लेंटर वगैरह, कुछ भी आप काम इससे कर सकते हैं। और आई थिंक ये भी एक ऐसा आइटम है सर जिसको लेने के बाद शायद इंसान की मेहनत भी बचेगी और अगर जो काम वो हाथ से 10 दिन में कर रहे हैं वो काम 1 दिन में करेगा। 1 दिन में नहीं, 2 घंटे में। 2 घंटे में, हाँ जी। सर देखिए मार्केट के अंदर जो आपको मिल रही है मशीन वो सारी 1200, 1300, 1400 वाट तक मिलती है, हमारी ये मशीन जो है 1800 वाट की मशीन है और ISO आइटम है हमारी, फुल कॉपर के अंदर है और आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होनी इसके अंदर, लाइफ टाइम आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली मशीन है। सर अगर हमारी वीडियो देखने के बाद कोई पर्सन यहाँ पे विजिट करता है और वो बताता है कि हमने ये वीडियो देखी थी इस आइटम की, आप तो उसके लिए क्या यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कस्टमर जो भी आता हो मेरे पास मोस्ट वेलकम, पहले मार्केट पूरी 10 जगह ट्राई करके उसके बाद मेरे पास आएगा तब उसको बेनिफिट दिखाई देगा कि मेरा माल क्या है और मेरा रेट क्या है। और सर इसका आई थिंक एक छोटा भी आइटम आता है, छोटा मॉडल भी आता है,
इसको 5 kg प्रेशर के अंदर बोला जाता है, ये छोटे साइज के अंदर है। जनरली जितने आपके जो डोमेस्टिक काम होते हैं उसके अंदर यही आइटम यूज होती है। आप देखेंगे इस तरीके की चीज है ये, पर्पस सेम है, ड्रिल बिट वगैरह इसके अंदर भी साथ में आपको देंगे। ये दीवार और आपका लेंटर दोनों के अंदर काम करेगा। सिंपल ऑपरेशनल चीज है ये और 900 वॉट की मशीन है, ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगी, घर के पर्पस की चीज है। आपको दीवारें तोड़नी है या होल करना है, ये ड्रिल मशीन का भी काम करेगी आपका। मल्टीपर्पज आइटम है, 26 mm तक ड्रिल मशीन का भी काम करेगी और साथ में ब्रेकेज के लिए भी है ये। हाँ बिल्कुल जी, मल्टीपर्पज आइटम है ये वाली। सर एक आइटम हमारी ये कि वाइब्रेटर है, कंक्रीट वाइब्रेटर बोला जाता है इसे। देखने में बहुत छोटा सा ड्रिल मशीन शेप का दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन काम इसका ऐसा है कि बड़े बड़े वाइब्रेटर्स को फिल कर देता है। और ये मल्टीपर्पज आइटम है। इसका सर यूज क्या होता है? एक्चुअली मैंने इसको कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काफी ज्यादा देखा है मैंने। ये लेंटर बीम कॉलम वगैरह सब जगह काम करेगा आपका। इसके साथ में एक छोटी सी निडल लगती है, इस तरीके की निडल होती है ऐसी, और सर इसी के साथ ये ज्वाइन हो जाएगी यहाँ से और ये वाइब्रेट करती है सारी। ये आपका कॉलम, बीम और लेंटर तीनों में काम करेगी। बेसिकली ये रोड़ी, बदरपुर और रीता का जो हम कंक्रीट का जो एक गोल बनाते हैं उसको छत पे बिछाते हैं और उसको हवा ना रहे उसके अंदर, उसका पर्पस ये है कि उसको बंद करता है। यानी कि ये मशीन अगर आप एक मिस्त्री हैं या घर वगैरह बनाने का काम करते हैं तो ये मशीन आप जरूर लें। ये है जितनी छोटी दिख रही है उससे ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ में आपका एक पूरा शाफ्ट आता है। ये पूरा एक वाइब्रेटर नोजल साथ में आता है इसके, ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाता है। जब आप चलाएंगे इसे तो पूरा का पूरा ये सारा वाइब्रेट करता हुआ चला जाएगा, सारे सर्फेस को उसको दबा देगा, उसका अंदर हवा निकाल देगा उसके बीच में से। और इसी का ही एक बड़ा मॉडल आता है, ये एक इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर है, एक 2 HP वाइब्रेटर है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर आता है ये। इसी के अंदर एक पेट्रोल वाइब्रेटर भी आता है, ये 2 HP इलेक्ट्रिक वाइब्रेटर है। पर्पस सेम है लेकिन बड़े काम के लिए है, जिनका जो बिल्डर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ये उनके पास मतलब की आइटम है सारी की सारी। ये वाइब्रेटर नोजल इसके साथ में लगेगी, ये पूरा एक कंबाइंड सेट होता है, यूनिट है ये पूरी की पूरी कंबाइंड। और इसके साथ में आप कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं इसे, किसी भी जगह के ऊपर। पर्पस सेम है, वाइब्रेशन का पर्पस है, लेंटर बीम कॉलम कहीं पे भी काम करेगा, तीनों मल्टीपर्पज आइटम है। बस फर्क कितना है, जो अभी हमने आपको छोटा दिखाया था वो अगर आप एक छोटा घर बना रहे हो वहाँ यूज कर सकते हो, और ये जो आपको अभी हमने दिखाया 2 HP वाला, ये आप एक अगर बड़ी साइड या बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो तो वहाँ यूज कर सकते हो। अभी आपको राहुल सर ने YI King ब्रांड के बहुत सारे पावर टूल्स दिखाए जो आप अपने घर में भी यूज कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे टूल्स भी बताए जिसको आप लेकर 2 से 4 दिन में उसकी कॉस्टिंग निकाल सकते हो, यानी कि पैसे कमा सकते हो, और बहुत सारे आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दिखाए। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स को बाय करना होगा। तो अभी मैं सर से बात करूंगा, बाइंग करने का प्रोसेस क्या है इसका? देखिए ये टोटली कोरियर के थ्रू हम लोग सारा, अगर आपको सिंगल पीस भी करना है तो हम कोरियर के थ्रू दे सकते हैं आपको। प्री पेमेंट करनी पड़ती है उस चीज के लिए, और आपको हम यहाँ से विदिन 24 hours आपको डिस्पैच हो जाएगा, उसकी डिटेल्स हम आपको 24 घंटे के अंदर आप पे पहुंच जाएंगे। यानी कि हमारे स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप यहाँ पे हमें कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। पेमेंट आपको प्रीपेड करना पड़ेगी, यानी कि एडवांस पेमेंट, और इस चीज की श्योरिटी है कि पेमेंट करने के 24 घंटे के अंदर आपको आपका जो भी गांव होगा, जो भी शहर होगा, वहां के कोरियर की रिसिप्ट मिल जाएगी। दूसरी चीज मुझे ये बताइए, अगर किसी की पावर टूल्स की शॉप है, कोई शॉप चलाता है, वो आपसे YI King ब्रांड के पावर टूल्स या टाइगर ब्रांड के पावर टूल्स होलसेल में या बल्क में बाय करना चाहता है और पैन इंडिया से, तो उसका क्या प्रोसेस है? सर देखिए सिंपल प्रोसीजर है बिल्कुल, आपको सिर्फ अपना विजिटिंग कार्ड में आपको एक नंबर आपको दे देंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा नंबर, और आपको उस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है हमारे को, और साथ में एक आपको विजिटिंग कार्ड अपना पोस्ट करना है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, आपको बाकी सारी चीजें हम व्हाट्सएप के ऊपर ऐड करके कैटलॉग्स वगैरह सब चीजें शेयर कर देंगे, प्राइसेस वगैरह सब शेयर कर देंगे। सिंपल आपको सर का यहाँ पे नंबर मिल रहा है, ये सिर्फ बल्क ऑर्डर के लिए, इस नंबर पे आपको अपना विजिटिंग कार्ड भेजना है, यहाँ से आपके पास कैटलॉग और रेट लिस्ट आएगी, आप अपना ऑर्डर बनाइए, पेमेंट कीजिए, और इस चीज की श्योरिटी है कि पेमेंट करने के 12 से 24 घंटे के अंदर आपको जो भी ट्रांसपोर्ट बोलोगे, जो भी उसकी बिल्टी आपको मिल जाएगी। जो लोग बिजनेसमैन है वो इस चीज को इजीली समझते हैं। सो सर हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।